के इस खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे सीएम साय कल जा सकते हैं अयोध्या, जहां सीएम साय के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य भी जा सकते हैं अयोध्या। विशेष विमान से हो सकते हैं रवाना। रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री साय कल अयोध्या जा सकते हैं। सीएम साय के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य भी अयोध्या जा सकते हैं। विशेष विमान से हो सकते हैं रवाना, जहां पर रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। साथ ही उनका जो मंत्रिमंडल है वो भी उनके साथ विशेष विमान से अयोध्या जा सकता है। और प्रभु श्री राम के, रामलला के दर्शन करने के लिए ये विजिट होने वाला है। तो आप ये देखिए कि रामलला के दर्शन के लिए दो देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। हर आम और खास उनकी एक झलक पाने के लिए अभी भी आतुर हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ कल अयोध्या जा सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। विशेष विमान से अयोध्या जाने का प्लान है, जहां प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करने का भी कार्यक्रम हो सकता है। और देखना यह है कि इस अयोध्या दौरे के दौरान और क्या कुछ खास रहने वाला है, ये भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रियों के साथ विशेष विमान से अयोध्या रवाना हो सकते हैं, अयोध्या जा सकते हैं, जहां पर रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। साथ ही पूरा मंत्रिमंडल भी मौके पर मौजूद रहने वाला है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य भी जा सकते हैं, साथ में मौजूद रह सकते हैं। जहां रामलला के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल अयोध्या के लिए रवाना होंगे, और विशेष विमान से अयोध्या जाने का जो प्लान है, और मंत्रिमंडल के सदस्य भी इस दौरान साथ में रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें फिर रद्द की गई हैं। जी हां, बिलासपुर मंडल में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के काम के चलते 8 एक्सप्रेस और 13 पैसेंजर ट्रेनों को आज रद्द कर दिया गया। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम हो रहा है, 16 जुलाई तक ये काम चलने वाला है। इस दौरान 11 एक्सप्रेस ट्रेनों को भी बीच में ही रद्द किया जाएगा। ट्रेनों को रद्द होने के चलते 29,000 से अधिक यात्रियों को यात्रा में बदलाव करना पड़ा है। और आप ये देखिए कि हालांकि पहले से सूचित किया जा रहा है, अगर आप कहीं भी आना जाना कर रहे हैं तो आप जरूर पहले अपनी ट्रेन के बारे में जानकारी जुटा लीजिए। 16 जुलाई तक 11 एक्सप्रेस ट्रेनें और बीच में रद्द कर दी गई हैं, और साथ ही इसमें जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो भी शामिल है। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, 16 जुलाई तक काम चलना है सिग्नलिंग का, 11 एक्सप्रेस ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनें 13 रद्द की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों का जो रद्द होने का सिलसिला है वो जारी है, और अभी फिलहाल 8 एक्सप्रेस और 13 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और ट्रेन को अचानक रद्द करने से 29,000 से अधिक जो यात्री हैं उनके जो यात्रा का परिवर्तन है उसमें बदलाव करना पड़ेगा, उनका जो टिकट है वो कैंसिल हो गया है। 16 जुलाई तक ये जो जो व्यवस्था हुई है वो उसका जो खामियाजा है, आम यात्री है वो भुगतेंगे। बिलासपुर मंडल की ये तीसरी चौथी लाइन है, उसके ऑटोमेटिक सिग्नल का जो काम है वो शुरू किया गया है उसको लेकर के है, और ये 16 तारीख तक, 16 जुलाई तक ये काम है, उसका विस्तार है, आधुनिकीकरण है वो होगा। तो छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के आधुनिकीकरण को लेकर के और कई अन्य सुविधाओं को लेकर के लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, कई ट्रेनों को गंतव्य तक जाने से पहले रोका भी गया है। तो ऐसे में आम यात्रियों की परेशानी है वो लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की कमोनी की स्थिति कोरोना काल के दौरान से लगभग 3 साल से इस तरह से चले हैं और अभी भी जारी है। तो आम यात्रियों को खास करके रेल को रीढ़ कहा जाता है यातायात का, तो ये बाधित होती है, तो कई तरह की दिक्कतें हैं वो होती है। सिर्फ
रेल यात्री नहीं, इससे जुड़े हुए चाहे पेंट्री कार के व्यवसाय हो या फिर टैक्सी के व्यवसाय हो, ऑटो रिक्शा चालक हो, तमाम लोगों का इसका व्यापक असर पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए युगल। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है कि इससे बड़ी संख्या में यात्री प्रभावित होंगे और उनका अपना रूट बदलना होगा। 8 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, 13 पैसेंजर ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द किया गया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली तमाम ट्रेनें जो सिग्नलिंग के काम के चलते फिलहाल रद्द की गई। और अब बात बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां बार में बाउंसर और युवकों में विवाद हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शराब की बोतलें और कुर्सी फेंकी गई, बार के अंदर मारपीट हुई है। देर रात तक शराब परोसे जाने को लेकर पुलिस भी सवालों के घेरे में बनी हुई है। तो खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां बार में बाउंसर और युवकों में विवाद हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शराब की बोतलें और कुर्सी फेंक दी गई, बार के अंदर मारपीट हुई थी। देर रात तक शराब परोसे जाने को लेकर पुलिस भी सवालों के घेरे में पड़ी है। और अनजान क्या मामला था भाई, वो होटल में था। रात्रि 11:30 बजे करीब मार्ग के पास कुछ लड़कों में आपसी वाद विवाद हुआ, जिसके कारण उनके बीच लड़ाइयाँ हुई, जिसमें प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और इनके द्वारा मारपीट की गई, इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, बार में बाउंसर और युवकों में विवाद हो गया, किस बात को लेकर ये विवाद हुआ था? देखिए, पुरानी रंजिश को लेकर वहां पर प्रॉपर्टी डीलर जो आदित्य तिवारी है वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। इस बीच वहां पर जो बाउंसर है उनसे किसी बात को लेकर पहले तो विवाद हुआ, उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के ऊपर जो शराब की बोतलें हैं, जो बियर की बोतलें हैं, वो फेंक कर एक दूसरे पर मारने लगे। वहां आसपास बैठे लोगों को भी इस पूरी घटना में चोट आई है। इसके साथ ही जो आदित्य तिवारी है वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। आदित्य तिवारी ने पूरे मामले की जो शिकायत है वो सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। चूंकि ये मामला बिलासपुर बार में वार का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि देर रात तक बार का खुला होना, युवाओं का वहां पर बैठना, शराबखोरी करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि इसको लेकर लगातार पुलिस विभाग ने भी निर्देशित किया है कि 12 बजे से पहले तक के बार को बंद किया जाए, लेकिन आप देखेंगे कि 12 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक की ये बार जो है संचालित होते हैं। ऐसे में लगातार मारपीट की घटनाएं और अनहोनी जैसी कई घटनाएं जो है वो बिलासपुर में निकलकर सामने एक बार फिर से ये घटना निकली है। और देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से एक्शन लेता है। शुक्रिया आपको जानकारी के लिए उमेश। रायपुर में मानसिक रोगी ने हंगामा मचाया, अस्पताल से भागकर सड़क पर मचाया उत्पात। पकड़ने गए एएसआई और आरक्षक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल पुलिसकर्मियों ने युवक को दबोच लिया। आमानक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर मानसिक रोगी ने जमकर हंगामा मचाया है। अस्पताल से भागकर सड़क पर मचाया उत्पात, जहां पकड़ने गए एएसआई और आरक्षक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल पुलिसकर्मियों ने युवक को दबोच लिया। अमानक थाना क्षेत्र में ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, एएसआई और आरक्षक के बीच जो मारपीट हुई है, पूरी जानकारी दीजिए, क्या है पूरा मामला, क्यों ये हमला हुआ है? जी देखिए, एम्स में एक मानसिक रोगी को वहां पर उपचार कराने ले जाया गया था, लेकिन अचानक वो एम्स से भाग निकला और इस बीच वो सड़क पे हंगामा मचा रहा था। जैसे ही लोगों ने उसकी सूचना दी तो आमानाका थाना क्षेत्र के जो पुलिस बल है वहां पर पहुंची थी और इस दौरान उसे पकड़ने की प्रयास किया जा रहा था, तो तभी से वो धारदार हथियार से हमला कर दिया है। उसके बाद अफरा तफरी का जो माहौल है वो निर्मित हो गया था, लेकिन एएसआई है और जो पुलिस है उन दोनों ने संयम बरतते हुए घायल अवस्था में भी उस जो मानसिक रोगी को पकड़ा है और उसके बाद उसे वहां पर भर्ती कराया गया है और जो चोटें भी आई है पुलिस। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए, मानसिक रोगी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, एएसआई और आरक्षक को इस दौरान उसने चाकू भी मारा। और खबर बलौदाबाजार से,
जंगल में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सोन बरसा जंगल में लाश मिलने से मचा हड़कंप। फिलहाल लाश की अभी पहचान नहीं हो पाई है। कोतवाली थाने का ये पूरा मामला बताया गया है। तो देखिए, जंगल से एक लाश मिली है और हड़कंप की स्थिति है। सोनबरसा जंगल में लाश मिलने के बाद सवाल ये कि आखिरकार ये शव किसका है, क्योंकि लाश की कोई पहचान अभी नहीं हो पा रही है। बलौदा बाजार की पूरा घटनाक्रम है। जंगल में लाश मिली, सोनबरसा जंगल में लाश मिलने का पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लाश की कोई शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई। तो पुलिस अब जांच में जुटी है कि आखिरकार ये शव यहां कैसे पहुंचा, क्या कोई घटना हुई है या कोई जंगली जानवर का हमला हुआ है। तमाम ये सवाल खड़े होते हैं। जंगल में लाश मिलने के बाद से पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती कि आखिरकार ये किसका शव है। बिलासपुर में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। दिव्यांग को पीटने पर सस्पेंड किया गया। महिला आरक्षक समेत 3 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सचोरियों को होटल में पकड़ने गई थी पुलिस। होटल के दिव्यांग कर्मचारी से मारपीट की गई थी। तो खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। दिव्यांग को पीटने पर सस्पेंड किया गया है। महिला आरक्षक समेत 3 सस्पेंड किए गए हैं। सचोरियों को होटल में पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। होटल के दिव्यांग कर्मचारी से मारपीट की गई। तो दिव्यांग को पीटने पर रिएक्शन लिया गया है। होटल के दिव्यांग कर्मचारी से मारपीट का पूरा मामला है। और इस दौरान बिलासपुर में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो महिला आरक्षक समेत 3 पुलिसकर्मी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है, जिन पर गाज गिरी है। दरअसल होटल के एक दिव्यांग कर्मचारी के साथ इन्होंने मारपीट की थी। पूरे मामले की अब जांच भी की गई कि आखिरकार क्यों मारा गया है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, जहां केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी की चुनौती दी थी और बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक अंतरिम जमानत दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी की को दी थी चुनौती और बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक अंतरिम जमानत दी गई है। यानी कि केजरीवाल अब अंतरिम जमानत पर बाहर आ जाएंगे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत दी गई है। यहां बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक, यानी कि जब तक मामले की सुनवाई अगली होगी, तब तक केजरीवाल जमानत पर रहेंगे। तो पहले भी कई बार कोशिश की गई थी कि उन्हें अंतरिम जमानत मिले, लेकिन नहीं मिल पाई थी। संवाददाता सुशील पांडे जी जुड़ गए हैं। और सुशील, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत केजरीवाल को? देखिए, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बड़ी बेंच यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसके समक्ष भेज दिया है और ये कहा है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जब तक इस पूरे मामले को डिसाइड नहीं किया जा सकता है तब तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे। और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से भी ज्यादा जेल में रह चुके हैं, लिहाजा अब वो जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन चूंकि उनके वो अभी जेल के बाहर इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि इस पूरे मामले में उनके खिलाफ सीबीआई का भी केस चल रहा है, तो अभी तो जेल से बाहर आना उनका मुश्किल है, लेकिन ईडी के मामले में उनको फिलहाल अंतरिम जमानत मिली है। एक बड़े राहत के तौर पर जरूर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अब समीक्षा करेगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कि क्या ईडी के पास किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के जो अधिकार हैं उसके दायरे कितने बड़े हो सकते हैं। तो इन तमाम बहनों पर फिलहाल आने वाले दिनों में जो बड़ी बेंच है वो विचार करेगी। यानी कि ये स्पष्ट है कि बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक अंतरिम जमानत भले मिली है, लेकिन फिर भी अभी वो जेल में ही रहेंगे। सुशील सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा था कि तो
तो देखिए बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक अंतरिम जमानत, और जैसा कि अभी सुशील बता रहे हैं कि अभी सीबीआई की भी जो जांच है वो चल रही है और इसके चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली है, लेकिन ये ईडी की जो लगातार जांच हो रही है इस मामले में, बड़ी बेंच में अगली सुनवाई तक उन्हें अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से जरूर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीबीआई जांच भी चल रही है, और सीबीआई जांच जो चल रही है उस केस में अभी सुनवाई होना बाकी है, और इसके चलते अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बावजूद सीबीआई की जांच की वजह से जेल में ही रहना पड़ेगा, यानी कि अभी वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सीबीआई जांच और तमाम जो पूछताछ है वो अभी होना बाकी है, और इसके चलते सीबीआई जांच के चलते अभी जेल से बाहर आना मुश्किल है अरविंद केजरीवाल के लिए। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द जमानत मिले ताकि वो जेल से बाहर आ पाए। तमाम जो केस है वो अभी उनमें सुनवाई चल रही है, ईडी की जो सुनवाई थी उसके चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जरूर राहत मिली है, लेकिन फिर भी जेल से बाहर आ पाना उनके लिए मुश्किल है। सुप्रीम कोशिश करते हैं, सुनिए, मैं अंग्रेजी में कहूंगा, मैं अंग्रेजी में कहूंगा, मेरे बाद विवेक हिंदी में एक्सप्लेन। सर क्या कुछ कोर्ट में रहा है आज? सब लोग आ जाइए प्लीज। सर right now just few minutes back the supreme court honorable supreme court bench has pronounced its judgment. We obviously don't have a copy of the detailed judgment yet, which will be uploaded in the course of the day. I am just giving a briefing based on what the court observed during the oral reading out of parts of the judgment. The court has examined aspects of section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we'll have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the enforcement directorate case, and therefore insofar as his arrest under enforcement directorate is concerned, by enforcement directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also. That is pending and coming before High Court on 17th. So, depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर दो ग्राउंड्स थे, हमारे दो ग्राउंड्स थे, एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड, दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड, आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट या नहीं है इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब इस
क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर, एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न, ही इज आउट ऑन बेल। थैंक यू सर, थैंक यू। नेगी इरशाद। तो देखिए, दिल्ली शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और बड़ा फैसला सुनाया है, जहां कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 15 अप्रैल को मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था और केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें ईडी से, देखिए बिल्कुल पंकज, इसमें आप पूरी तरीके से क्लैरिटी आ गई है, क्योंकि मैं पहले भी यही कह रहा था कि कोर्ट के सामने जो सवाल था वो केवल ईडी वाला मामला था और कोर्ट ने ईडी वाले मामले में जमानत दे दी है। हालांकि अभी सीबीआई का मामला भी कोर्ट के सामने है और कोर्ट को यह तय करना है कि क्या अरविंद केजरीवाल सीबीआई वाले मामले में 17 तारीख को है और अभी कोर्ट ने ईडी वाले मामले में उन्हें जमानत दे दी है, तो अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल गई है ईडी वाले मामले में। और ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि ईडी के मामले में जमानत मिलना ज्यादा मुश्किल होता और अब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं इस पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर लार्जर बेंच को मामला भेजा गया है और साथ साथ ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में है, करीब 90 दिन से वो जेल में है, तो उन्हें ईडी वाले मामले में तुरंत बेल दी जाती है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर सीबीआई वाले मामले में, हालांकि सीबीआई में जमानत मिलना उतना मुश्किल नहीं होता कानूनी दृष्टि से अगर हम देखें, लेकिन ईडी के केस में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, ईडी के केस में जमानत मिलना मुश्किल होता है और ईडी के केस में ही उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। 19 जिसके तहत गिरफ्तारी की जाती है और उसको तय करना बहुत जरूरी है और वो एक बड़ा सवाल है जिस पर लार्जर बेंच यानी बड़ी बेंच को उसका मामला भेजा जाता है। बड़ी बेंच यानी दो जजों से ज्यादा की बेंच इस मामले को सुनेगी, सीजीआई इस मामले में बेंच बनाएंगे। हमारे साथ ऋषि हैं जो आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के भी सदस्य हैं और अरविंद केजरीवाल के हर कानूनी मुकदमे को देख रहे हैं। ऋषि, एक बड़ी जीत आप लोगों के लिए, भले ही अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि जिस प्रकार ईडी जो है पीएमएलए का दुरुपयोग कर रही थी और जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अरेस्ट कर रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल फ्रेम किए हैं और सवाल तो लगातार खबर पर नजर बनी रहेगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।